मत्ती 23 अध्याय। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिसको उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें सवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का गढ़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपो, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर
आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। यरेमिया 25 अध्याय। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यरेमिया नबी के पास पहुंचा, उसे यरेमिया नबी ने सब यहूदी और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया, वह यह है। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊँगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे या दुल्हीन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूँगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यरेमिया ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखी है, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजा और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाए और उसकी उपमा देकर शाप दिया करे, जैसा आजकल होता है, और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्यों को और ऊज देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, अज्जा और एक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मोआबियों और अम्मोनियों को और सारे राजाओं को और सिदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बूजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को और जिमरी, एलाम और मादे के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के
उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। इस प्रकार धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया। इन सबके बाद शेषक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यो कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। पृथ्वी की चोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की चोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक चोर से दूसरे चोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेंढो और बकरो, राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेंढे और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेंढों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह के समान वह अपने टोर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। यरेमिया 26 अध्याय। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यो कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तो उनसे कह, यहोवा यो कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शिलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर को ऐसा सत्यनाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यरेमिया ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यरेमिया सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा, तूने क्यों यहोवा के नाम से भविष्यवाणी की कि यह भवन शिलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यरेमिया के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ाए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों
और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिया के दिनों में मोरसेत वासी मिकायाह भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिया ने या किसी यहूदी ने उसको नहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उर्रिया नामक किर्यत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसे यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकिम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और उर्रिया यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकिम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उर्रिया को मिस्र से निकाल कर यहोयाकिम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फिकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहिकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। भजन संहिता 89:1-15 तक। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरे राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। है यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाशमंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्र में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाए? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तीतर बीतर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सृजा। ताबोर और हिरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं।